लोहिया ग्राम घोषित होने के बाद भी चक कुमायती गांव में 2011 में एक विद्यालय बनाने का बजट आया था और 2013 में किसी प्रकार से वो बन के तैयार हुआ। अंकन हुआ परंतु आज तक चक कुमायती ग्राम विद्यालय में किसी अध्यापक की पूर्ण रूप से नियुक्ति नहीं हो पाई और इस विद्यालय को बनाने के लिए राम मूर्ति और कल्लू राम जी यादव जी ने बड़ी संघर्ष बड़ी मेहनत की। सेवानिवृत्त शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष प्राथमिक विद्यालय चक कुमार ज्योति, इसके संबंध में जो है सन 2011 की बिल्डिंग ये स्वीकृत हुई थी, 2011 से 2013 तक नहीं बन पाई और 2013 में जो है इस बिल्डिंग का निर्माण शुरू हुआ, एक महीने में बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। लेकिन अभी तक न बाउंड्री बाल का पैसा आया, न छात्रवृत्ति आई और न बच्चों का ड्रेस आया और न रख रखाव का पैसा आज तक खाते में, संबंधित खाते में, विद्यालय के संबंधित खाते में आज तक नहीं पहुंचा। अध्यापक की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। प्राथमिक विद्यालय चकुमार ज्योति विद्यालय के समिति में अध्यक्ष हूँ। विद्यालय में समस्या ये है कि भी कुर्सी मेज का व्यवस्था नहीं हुआ है। खाना बनाने के लिए हम लोग अपने घर से भगोना ला करके, बर्तन ला करके कैसे बच्चों को खाना भी बना के खिलाते हैं, अभी उसका भी व्यवस्था नहीं हुआ है। अध्यापक के बराबर न रहने के वजह से हम लोग भी उसमें सहयोग करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। और ये पानी नल का नए नए पानी बड़ी परेशानी बैठे है। लड़कियाँ खा लें दौड़ा जही घरे जही पानी पी बर्तन धोई, अब हम अब यही रहते हैं तो न सफर पी खा लें और चौका गलना कुछ ना बर्तन कोनो बर्तन ना है, कुल बर्तन जानना कुल हम अपने घरे से ले आवत है। मैं चाहता हूँ कि शिक्षा अधिकार कानून तहत जो सुविधाएं विद्यालय को मिलनी चाहिए थी वो मिले, इसके लिए आप हमारी मदद कर सकते हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी जिनका नंबर है 9453004199 के फ़ोन नंबर पर दबाव बनाकर आप हमारा मदद करें। मैं अनिल कुमार सरोज, संत रविदास नगर भदोही से, इंडिया अनहट के लिए।